नमस्कार दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम बीजीए रिवॉल्विंग और रिवर्ब सीखेंगे। तो उसके लिए स्टेंसिल्स लगते हैं और स्टेंसिल्स के लिए उसके होल्डर लगते हैं। तो ये मेरे सामने कुछ स्टेंसिल्स हैं, ये मैग्नेटिक्स है, काफी अच्छे यहाँ से रिवॉल्विंग और काफी तेज हो जाती है। मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे अभी जैसे हम देखते हैं कि जो नए नए जनरेशन के सीपीयूज आ रहे उसको बोलते हैं एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिप्स। तो यहाँ पे पीसीएच नहीं है, डायरेक्ट सीपीयू है। तो इसके अंदर क्या है करना है कि अलग अलग जनरेशन के ये स्टेंसिल्स हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सीपीयू रखना है, जो आप सीपीयू निकालेंगे सीपीयू को रखना है और उसका स्टेंसिल रखना है। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट पार्ट है वो अपने आप अलाइनमेंट हो जाता है, क्योंकि काफी एक्यूरेसी इसके अंदर, और इसका जो होल्डर ये मैग्नेटिक्स है, तो सीधा इसके अंदर आपको रखना है, तो ये सीधा फिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चिप फिट हो गए और यहाँ से आपको शोल्डर बॉल डालने हैं। बॉल की साइज भी ये स्टेंसिल्स के ऊपर लिखी हुई है और कौन से जनरेशन का सीपीयू इसके अंदर जाएगा ये भी इसके अंदर लिखा है। तो इसके अंदर आप चाहे तो शोल्डर बॉल यूज कर सकते हो, चाहे तो आप शोल्डर पेस्ट यूज कर सकते हो और इसको रीफ्लो करके हीट करके उसके बॉल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। जो टेम्परेचर इसका जो नॉर्मली जो बॉल्स आते हैं वो लीडेड बॉल्स आते हैं, जो लीडेड जो टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 180 डिग्री है, अनलीडेड रहेगा तो 220 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसके अंदर बॉल्स को डालना या शोल्डर पेस्ट को आपको इसके अंदर लगा के यूज करना है। और ये अलग अलग जनरेशन के जो सीपीयूज आते हैं, अप टू 10 जनरेशन के जो सीपीयूज आते हैं तो इसके अंदर दिए गए, तो काफी इजी तरीके से इसकी रिवॉल्विंग हम कर सकते हैं। तो अभी हम उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे।